Hey friends, it's nice to meet you again. एक biggest question, जिसका answer अब तक कोई नहीं दे पाया. Are geniuses born or mad? According to the scientific studies, एक genius 130 या उससे ऊपर के IQ वाला व्यक्ति होता है. If you haven't subscribed my YouTube channel, please subscribe my channel Genius Can Be Made and hit the bell icon. मेरे सभी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए. First practical step to be genius, do not worry. Research बताती है कि कम चिंता करने वाले ज़्यादा स्मार्ट होते हैं. According to SLAT coverage of studies, एक स्टडी में रिसर्चर्स ने 126 लोगों को क्वेश्चंस को फिल आउट करने को कहा कि कितनी बार वो वरी को एक्सपीरियंस करते हैं. इन्होंने ये भी कहा कि कितनी बार अफवाह सुनकर अपसेट रहते हैं. साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर एडवर्ड सेल्बी ने साइकोलॉजी टुडे में रिपोर्ट किया. रिसर्च और रिजल्ट बताती है कि जिन लोगों ने कम चिंता करी उन्होंने वर्बल इंटेलिजेंस में ज़्यादा स्कोर किया. सो फर्स्ट प्रैक्टिकल स्टेप टू बी जीनियस इज टू नॉट वरी. सेकंड प्रैक्टिकल स्टेप टू बी जीनियस, बी फनी. एक स्टडी में 400 साइकोलॉजी स्टूडेंट्स ने इंटेलिजेंस टेस्ट दी जो एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग एबिलिटीज को और वर्बल इंटेलिजेंस को मेजर करती थी. फिर उन्हें न्यूयॉर्कर कार्टून्स के कैप्शंस के साथ आने के लिए कहा गया और उन कैप्शंस को इंडिपेंडेंट रेट से रिव्यू किया गया. जैसा कि प्रिडिक्ट किया गया, स्मार्टर किड्स वर रेटेड एज फनियर. सो सेकंड प्रैक्टिकल स्टेप टू बी जीनियस इज टू बी फनी. थर्ड प्रैक्टिकल स्टेप टू बी जीनियस, डेडिकेट योरसेल्फ टू बिकमिंग अ लाइफ लॉन्ग लर्नर. लोग बिलीव करते थे कि जीनियस माइंडसेट फिक्स है और एफर्ट से इम्प्रूव नहीं हो सकता. एविडेंस सजेस्ट करती है कि अनइंटेलिजेंट पर्सन जीनियस नहीं बन सकता. ये पॉसिबल है कि सभी के पास एबिलिटी है इंटेलेक्ट को स्ट्रेंथन करने की. प्रोसेस इतनी सिंपल नहीं होती जितनी नए वोकैबुलरी वर्ड्स सीखना. इसमें टाइम और एफर्ट चाहिए ज़्यादा डीपली एंगेज होने में. सो थर्ड प्रैक्टिकल स्टेप टू बी जीनियस इज टू डेडिकेट योरसेल्फ टू बिकमिंग अ लाइफ लॉन्ग लर्नर. फोर्थ प्रैक्टिकल स्टेप टू बी जीनियस, बी क्यूरियस. यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन बिजनेस के साइकोलॉजी प्रोफेसर थॉमस कैमेरो प्रेम्यूजी ने डिस्कस किया है कि कैसे क्यूरियोसिटी कॉरियंट और हंग्री माइंड होना किसी को भी ज़्यादा इनक्यूसिटिव बनाता है. सीक्यू के इम्पोर्टेंस और उन्होंने लिखा है कि ईक्यू और आईक्यू की तरह ही सीक्यू भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. हायर सीक्यू वाले लोगों ने ज़्यादा टॉलरेंट ऑफ एम्बिग्यूटी पाई गई. गॉल स्मिथ यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की स्टडी में पाया गया कि कैसे लोग अपना टाइम और एफर्ट का इस्तेमाल करते हैं वो कॉग्निटिव ग्रोथ में ज़्यादा भूमिका निभाता है. अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, आई हैव नो स्पेशल टैलेंट्स, आई एम ओनली पैशनेटली क्यूरियस. सो फोर्थ प्रैक्टिकल स्टेप टू बी जीनियस इज टू बी क्यूरियस. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट फिफ्थ प्रैक्टिकल स्टेप टू बी जीनियस. फिफ्थ प्रैक्टिकल स्टेप टू बी जीनियस, फॉलो योर पैशंस. लोग ज़्यादा इफेक्टिवली लर्न कर सकते हैं जब वह उस काम के लिए पैशनल होते हैं. जब आप किसी चीज़ के लिए पैशनल होते हैं आप ज़्यादा जल्दी उस चीज़ को समझ सकते हैं. फोकस की वजह से इंटेलेक्ट बढ़ती है. ट्रू इंटेलिजेंस मांगती है थोड़े सब्जेक्ट पर डीप मास्टरी, ना कि ज़्यादा सब्जेक्ट में शैलो अंडरस्टैंडिंग. क्या अल्बर्ट आइंस्टाइन फिजिक्स, एंथ्रोपोलॉजी, लिंग्विस्टिक्स, जियोलॉजी, एनिमल बिहेवियर और लिटरेरी क्रिटिसिज्म सब में अच्छे थे? बिल्कुल नहीं. जब आप थोड़ा थोड़ा सब कुछ जानने की कोशिश करते हो तो आप कुछ भी नहीं जान सकते. सो फिफ्थ प्रैक्टिकल स्टेप टू बी जीनियस इज टू फॉलो योर पैशन. अब हम देखते हैं लास्ट एंड फाइनल प्रैक्टिकल स्टेप टू बी जीनियस. सिक्स प्रैक्टिकल स्टेप टू बी जीनियस,
बी मैसी। साइकोलॉजी और साइंस की एक स्टडी जो यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा कार्लोन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट की डॉक्टर कैथलीन वो ने की, जो बताती है कि अनटाइडी रूम में काम करना आपकी क्रिएटिविटी बढ़ाती है। एक स्टडी में 48 पार्टिसिपेंट को पिंग पोंग बॉल के यूज़ के बारे में पूछा गया तो पाया गया कि नीट या साफ रूम में काम करने वाले कम क्रिएटिव थे, क्लटर्ड रूम में काम करने बस करेंगे। ये बुक को पढ़ना हो तो बुक की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बुक हिंदी लैंग्वेज में है, ज़्यादा नॉलेज के लिए आपको पढ़नी चाहिए। आगे के प्रैक्टिकल स्टेप को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन को दबाइए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।